मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, डेढ़ साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया, और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय केसी गुप्ता एसीएस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट आईआरसी, एस के निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री एस सालूम के वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री आर के मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री एस एस पटेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए आईआरसी ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं आईआरसी को और मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चार चीजें जहां डेवलप होगी वहां ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और जहां ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग है उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में दो बातें बहुत याद रखता हूं। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं, और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूं, ये रोड तो आप काम करते हैं, और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है, और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पर ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देते। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, वैसे बहुत